सभी को नमस्कार। मैंने एक वीडियो बनाया था नोवल्टीज़ पर, जिस पर मैंने काफ़ी सारे कवर कार्ड्स शेयर करे थे और अपने नोवल्टीज़ को कैसे मैं अरेंज करता हूँ मैंने दिखाया था और काफ़ी पसंद भी करा गया। तो मैंने कहा उसका नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ। तो ये एक बात मेरे दिमाग में आई जब मैं नोवल्टीज़ को देख रहा था कि जब हम ऐसे MDF के स्टिकर्स देखते हैं, MDF के जो मैग्नेट स्टिकर्स हैं, ये मुझे खास पसंद आते हैं। संजय गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशन आते हैं उनमें ये एक अलग से चार्म रहता है। रबर शीट के मैग्नेट स्टिकर मिलते हैं, कवर कार्ड्स मिलते हैं, स्टिकर्स मिलते हैं, जो भी है स्केच कार्ड्स मिलते हैं, पर ये मुझे खास से पसंद है। इनकी थिकनेस देखिए आप, पीछे मैग्नेट का ये होता है और ये काफ़ी एक और ग्लिटरी अपीयरेंस आती है। अच्छी क्वालिटी का आपको MDF का स्टिकर मिलता है। तो ये है आखिरी सीरीज का जो आया था कलेक्टर एडिशन, उसके साथ में ये राजनगर रक्षक का जो कलेक्टर एडिशन आया था उसके साथ आया था। इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी देखिए। और ये जो है सिटी विदाउट हीरो के साथ आया था शायद, जाता मुझे याद है। और भी काफ़ी बालचरित वगैरह सबके साथ में आए थे। तो ये इनका साइज रहता था संजय गुप्ता जी का। और ये नागायण के साथ में आए हैं, नागायण का जो कलेक्टर एडिशन था उसमें नागराज और सुपरकॉन ध्रुव के काफ़ी अच्छे से जो है कट किए हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्लिटरी अपीयरेंस साथ में आए हैं। मनोज गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशन आते हैं उसमें क्या होता है कि जो बिग थिंग हमको प्रोमिस करी जाती है, जैसे कि ओमनीबस में ये एक काफ़ी बड़ा एक चार्म निकल के आया था कि बहुत एक शानदार MDF का आपको ये इस तरीके का स्टैंडिंग मिला था। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा ना वो साइज़ कंपेयर अगर हम करें तो बहुत छोटा रह जाता है और चीज़ों से अगर कंपेयर करा जाए। जैसे कि नागायण का जो स्टैंडिंग था, हालांकि नागायण का मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, संजय गुप्ता जी की जो नागायण का स्टैंडी है उसके मैं दो बार मैं मंगवा चुका हूँ, उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। बट फिर भी अगर आप साइज़ कंपेयर करोगे ना तो आप देखो ये जो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था मनोज गुप्ता जी वाले इस नोवल्टी का, लेकिन ना काफ़ी ये साइज़ में काफ़ी छोटा निकल जाता है इस तरीके से। तो खैर संजय गुप्ता जी हों या मनोज गुप्ता जी हों, वो क्या करते हैं कि जो जिस चीज़ में कॉस्ट कटिंग होती है उसमें पता नहीं कैसे उनकी टीम एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो जाती है। बाकी तो वो एक और चीज़ों में इंस्पायर्ड नहीं होते, पर कॉस्ट कटिंग में हमेशा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। मुझे ऐसा इसलिए लगा कि मैंने अभी देखा जो है, जैसे कि मनोज गुप्ता जी का जो एक पैटर्न था रिप्रिंट्स निकालने का, कि वो जो है रैंडम निकालते थे, कभी ग्लोसी पेपर पे, कभी मैट पेपर पे, और फाइनली वो विदाउट नोवल्टीज निकाल रहे थे। संजय गुप्ता जी का भी एक पैटर्न था कि वो थोड़ा सा कॉस्टली निकालते थे, बट वो ग्लोसी पेपर उनका फिक्स रहता था और नोवल्टीज़ फिक्स रहती थी। पर एक दूसरे से इंस्पायर हो गए उन्होंने, फाइनली प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ करके नोवल्टीज़ कम्प्लीटली रिमूव कर दी हैं। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोट करी, जब ये शक्ति रूपा जो संग्राहक संस्करण था कलेक्टर्स एडिशन, जिसमें खासियत मैंने आपको बताया था, मैंने दो तीन बार अनबॉक्सिंग भी करी है, कि अनुपम सिन्हा जी का खुद का एक बनाया हुआ स्केच था ओरिजिनल इसमें, और ये काफ़ी कॉस्टली भी था शक्ति रूपा का संग्राहक संस्करण। ये शायद 1750 थे, 1745 रुपये का MRP पे रखा गया था। तो इसके साथ में ना एक ही नोवल्टी आई थी काम की, मतलब ऐसे मतलब कि जो है ये एक MDF का इस तरीके का स्टिकर। अब ये क्या, ये भी ऐसे शो किया गया था, इमेज में पता लगता नहीं कि कितना बड़ा वो होगा साइज़ में, बट यदि आप इनसे कंपेयर करोगे ना किसी से भी, आप आखिरी वाले से कंपेयर कर लो, चाहे आप किसी से भी कंपेयर कर लो, राजनगर अक्षर से कंपेयर कर लो, सिटी विदाउट हीरो से कंपेयर कर लो, तो इसका साइज़ ना काफ़ी मतलब छोटा रह जाता है। तो ये एक रहता है कि मतलब इतना बढ़िया नोवल्टी था, थोड़ा सा और बिग साइज़ मिल सकता था क्योंकि काफ़ी कॉस्टली था वो कलेक्टर एडिशन। इसके बाद में क्या हुआ, मैंने देखा सरप्राइजिंगली जो संजय गुप्ता जी के जो आए हैं लेटेस्ट, मैं कलेक्टर एडिशन बात करूँगा, एक तो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज और एक आया था नाग पर्व, तो उनके भी अगर आप ये कंपेयर करोगे ना, तो मैंने एक बार नोट करी अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का, देखिए ये जो MDF का स्टिकर है इसके अंदर सारे करेक्टर हैं उसके अंदर, और वो भी काफ़ी एक बड़ा बिग साइज़ का, मतलब जंबो साइज़ का एक कलेक्टर एडिशन था। आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा बिग साइज़ का संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित कलेक्टर एडिशन होगा। देखिए ये अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का संग्रह काफ़ी हैवी है, मैंने तो कुछ कॉमिक्स के ऊपर रख दिया था ऐसे, तो मुझे लगा डैमेज ना हो जाए इसलिए मैं इसको अलग रख के आया। तो काफ़ी जंबो था, इसकी नोवल्टीज ने निराश करा लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो बहुत इसका साइज़ ना, जिस तरीके का इसका कैनवास है, जिस तरीके का ये स्टिकर है, ये उस हिसाब से काफ़ी छोटा है सच में। और मैंने देखा कि अब मैंने एक ऐसे कंपेयर करा, ये जो नाग पर्व के साथ ये जो कलेक्टर एडिशन था ये नोवल्टी आया था, इससे पहले आदि पर्व का आपको भगवान शिव वाला याद होगा, शिवलिंग वाला। तो ये देखो ये अगर साइज़ कंपेयर करोगे तो रफली इक्वल मिलेगा आपको, एक तरीके का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। देखो हालांकि सिंगल करेक्टर है इसमें, बहुत सारे करेक्टर हैं, और इसके साथ में अगर आप ये रखोगे शक्ति रूपा वाला, जो कि अलग अलग पब्लिकेशन है, लेकिन आपको इसकी साइज़ बराबर सी मिलेगी, तो मुझे लग रहा है कि ये एक 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 उस पर आ गए हैं साइज़ कंपेयर कर करें इनका, जो क्योंकि ना जो संग्राहक संस्करण आते हैं ना संजय गुप्ता जी, मान लो कि कोई 1500 का आ रहा है, कोई 1100 का आ रहा है, कोई जो है 2000 का आ रहा है, कोई 4000 का आ रहा है, तो उसके अंदर नोवल्टी एक ही निकलता है ऐसे MDF स्टिकर, उसका एक बड़ा चार्म होता था। मतलब ये चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती थी कि भाई लाओ कलेक्टर एडिशन ही ले लिया जाए। लेकिन मैंने देखा कि वो जिस कंपेयर में अब जो आ रहे हैं, जैसे कलेक्टर एडिशन मान लो कोई 2500-3000 रुपये का था अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, और
उस हिसाब से ना काफ़ी, जैसे ये चलो नागपुर के साथ तो समझ में आता है, एक सिंगल करेक्टर एडिशन है और सिंगल करेक्टर है तो चलेगा, साइज़ छोटी हो गई है। इवन मैं बताऊंगा कि जो है मोबाइल स्टैंड्स हैं उनका भी एक स्टैंडर्ड हाइट वगैरह रहती थी, आप धीरे धीरे देखोगे तो चीज़ों में फ़र्क आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, मतलब साइज़ वगैरह कंपेयर करें तो थोड़ा सा स्मॉल किया जा रहा है इन चीज़ों को। तो वो पहले जो चार्म होता ना पुराना, जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है नॉवल्टीज़ को लेकर के, और हम उस हिसाब से अपना मानस बनाते हैं कुछ परचेजिंग के लिए, तो ये मुझे एक चीज़ नोट लगी, मैंने कहा यार एक दूसरे से इंस्पायर हो गई, तो इन्होंने ये छोटा निकाला तो इन्होंने हम निकाल दिया, पता नहीं किस तरीके से ये एक दूसरे प्रभावित रहते हैं, वो तो रहते ही हैं। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, मैं इनका शेयर करता हूँ आपसे। और मैं कुछ और नॉवल्टी शो करना चाहूँगा इसके अंदर, कुछ रह गई थी नॉवल्टीज़, तो मैं कहला एक मैं उनको अरेंज कर ही रहा था, तो मैंने कहा एक वीडियो के माध्यम से शेयर कर देता हूँ, मेरे लिए भी अच्छा रहता है कि मैं इसका रेफरेंस लेकर के फिर अपनी नॉवल्टीज़ को अरेंज कर सकता हूँ। आइए उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और तो ये कुछ नॉवल्टीज़ हैं, इस तरीके की स्पायरल बुक्स मिली थी, खजाना त्रिफना और ड्रैकुला के कलेक्टर एडिशन में मिली थी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उनके अंदर इस तरीके की पिनवेल पब्लिकेशन जो है उनका है, मनोज गुप्ता जी का। और वो जो प्राइस मेंशन करता है ना, ये नागराज का जो है आतंक हर्ता वाला जो एक आरोप होता है, मतलब जो ललित कुमार जी का आर्टर का, तो उस हिसाब से ये 50 रुपये की रखी गई है इसकी प्राइस जो लिखी है उन्होंने, तो ठीक है फिर भी। चलो 64 पेज हैं, स्मॉल साइज़ है इसका, स्मॉल साइज़ कितना स्मॉल है कि एक कॉमिक्स का हाफ मान लेते हैं, ऐसा एक और मान चलते हैं, तो फिर भी चलो ठीक है मान लेते हैं, कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा नागराज का ये है। परंतु उन्होंने एक बार जो है बाकेलाल की कुछ पेपर बैग्स आई थी बहुत शुरुआत में, वैद्य बाकेलाल और जो राज मुकुट वाला सेट था उसके अंदर इस तरीके की कुछ डायरी दी थी उन्होंने बाकेलाल की, नोटपैड दिए थे साथ में, 40 रुपये मेंशन किया था, लेकिन इसके अंदर सिंपल ऐसे जो ये स्टिकी नोट्स नहीं आते क्या, वैसे कुछ पेज चिपके होते, मतलब इनका कोई है नहीं करने, इनको ऐसे फाड़ के बाहर निकाल भी दोगे तो ये कलरफुल ऐसे उड़ जाएंगे, मतलब सिर्फ इसका एक कोई एक महत्व इतना सही कि यहाँ पे बाकेलाल लिखा हुआ है या मनोज गुप्ता जी का लोगो है, और ये मतलब आज के टाइम में भी ऐसा ये कैसे प्रिंट कर देते हैं, जैसे पुराना स्टॉक होता है समझ में आता, ये फिर भी थोड़ा लगा, जैसे इसका 50 समझ में आता, इसका 40 अगर कंपेयर कर तो कहीं से भी 40 इसका बनता नहीं, मतलब इसका तो क्या थोड़ा सा लेमिनेटेड है, यहाँ पे मेटल लगा हुआ है, थोड़ा सा मेटल वाला स्पायरल है, नागराज भी काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, पीछे भी इसका एक वाटर मार्क बना हुआ है, तो इस तरीके से लगता है थोड़ा सा, 64 पेज तो लिख सकते हो आप। तो खैर ये नॉवल्टीज थी संजय गुप्ता जी की, नॉवल्टीज में बताया हूँ, इन्होंने नोटबुक्स निकाली थी कुछ संजय गुप्ता जी ने, ये देखिए डोगा का इसमें एक क्यूट सा फेस बना हुआ है, इस तरीके की चार निकाली थी ये देखिए, तो ये एक डोगा वाली है, एक नागराज बना हुआ है, परमाणु बना हुआ है, एक भी सुपर कमांडो ध्रुव बना हुआ है, दिखाया था कार्य मैंने वो ये पड़ी हुई साइड में, तो जो है आइए देखिए सुपर कमांडो ध्रुव बना हुआ है, तो ये इन्होंने शायद 50-50 रुपीज़ के हिसाब से निकाली होगी 48 पेज की, तो चलो ठीक है इसको भी मान लेते हैं, चलो ठीक इसके पेज लिखने लायक तो हैं। तो कुछ नॉवल्टीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग निकलती है, कुछ काफ़ी अच्छी निकलती है, लेकिन ना कुछ जो स्टैंडर्ड सेट हो गए थे ना ये काफ़ी अच्छे लगते थे मुझे, संजय गुप्ता जी वाला जो स्टैंडर्ड था इसको ना धीरे धीरे, मनोज गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशन आने शुरू हुए ना, उन्होंने एक बार कालचक्र और मैं हूँ भेड़िया, पाताल सम्राट, तोसी, इनमें कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे कि उन्होंने वो संजय गुप्ता जी को कॉपी करने का प्रयास करा था कि भाई वैसे ही आपको मिल जाते हैं जो जो क्या बोलते हैं उसको स्लिप केस कवर वगैरह, तो उसी दौरान उन्होंने वैसे कुछ देने की कोशिश की थी, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बॉक्स होगा ये देखिए, तो जैसे ये यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मतलब ये जो है ना MDF का मतलब कालचक्र के साथ में आया था, आई एम सॉरी टाइम लग गया थोड़ा सा आपका, तो ये काफ़ी अच्छा एक हो सकता था, लेकिन अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे जो हम उस समय नॉर्मल आते थे तो ये बहुत छोटा था, मतलब तो चाहे आप जो है ध्रुवोदय का देख लो चाहे कोई और देख लो, उसमें ना जैसे ये की चैन भी चलो ठीक है, की चैन तो छोटा समझ में आता है और अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ है इसमें प्रिंटेड, की चैन मुझे फिर भी ठीक लगा था, और विध्वंस वगैरह के साथ में आए थे, पता नहीं ये किस साथ आया था, विध्वंस दो एक कटोरखून दो कटोरखून का जो संग्राह संस्करण था उनके हिसाब से ना ये ठीक था, मतलब फिर भी नॉवल्टी के हिसाब से। परंतु जो जैसे अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज जो इतना बड़ा संग्रह संस्करण है, इतना कॉस्टली है, हर कोई ले नहीं सकता, उसमें इस तरीके का मतलब ये काफ़ी बड़ा साइज डिजर्व करता था। अभी मैंने पुनरुत्थान वाला CE ऑर्डर का रखा है कॉम्बो, उसमें एक ऐसा निकलेगा, पर आई थिंक कि वो काफ़ी उस साइज़ इस नोटबुक के साइज़ का होगा, तो मज़ा आएगा उसको देखने में, देखेंगे क्या साइज़ है, तो अगर ये इम्प्रूव हो जाए तो अच्छा है, इतना साइज़ ना ठीक नहीं लग रहा होता उस सबसे, जिस तरीके के वो संग्रह संस्करण है जो उनका पहले का स्टैंडर्ड रहा हुआ है। तो इसी के साथ में जो है मैं कुछ कवर कट रह गए थे, अलावा वो भी दिखा देता हूँ, इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं वीडियो को। तो एक कवर कार्ड्स में जो मेरे कुछ कॉमिक्स थी उन कॉमिक्स में वो कवर कार्ड अंदर ही पड़े थे, मतलब उसको मैंने निकाला नहीं था बाहर, संग्राह संस्करण से तो के जो कवर कार्ड्स होते हैं वो तो आपको अलग से मिल ही जाते हैं, तो उस हिसाब से क्या था ये निकाले नहीं थे मैंने, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ थ्रेड होल की कॉमिक्स थी, मतलब बाद में क्या हुआ था, संजय गुप्ता जी ने पहले पेपर बैग्स में आपको स्टिकर ट्रेडिंग कार्ड वगैरह मिलते थे,
संग्राहक संस्करण जो आता था किसी का भी जो सीरीज़ का, उस सीरीज़ के सारे कवर कार्ड मिलते थे, लेकिन पेपर बैक में भी मिलने शुरू हो गए थे। तो आई थिंक जब इनके संग्राहक संस्करण आएंगे तो उसमें ये नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ हॉरर का था, धप्पा, लुक छुप जाना, डर, ये एक्स सीरीज की पूरे एक्स सीरीज थी, भूत बच्चा, रक्त प्यासा, जीत के शैतान। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि कवर कार्ड्स में पीछे जो होता है उसका एड होता है, तो मतलब आगे फ्रंट कवर हाफ साइज़ होता है कॉमिक से, पीछे उसका जो है एड और थोड़ी समरी होती है, मैं हूँ शैतान, ये सब मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाए थे। बट एक कवर्स का मैंने अलग से एक संग्राहक संस्करण एक वीडियो बनाया था, उसमें ये मिस रह गए थे। तो ये एक सीरीज़ था डोगा का, वो एक श्रृंखला है 5 पार्ट की, उसका ये ऐड होगा। तो अच्छे हैं ये, वेल लेमिनेटेड होते हैं, आगे फ्रंट कवर होता है, पीछे में जो है आपको ऐड मिल जाता है। पेपर बैक के साथ इतने अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको ऐसा कवर मिलता है, पर संग्राहक संस्करण में जो आपको कवर गैलरी मिलती है या आवरण दीर्घ मिलती है, उसमें ये चीज़ें गायब होती हैं, लोगो वगैरह, तो उसमें कवर कार्ड थोड़े रिलेवेंट लगते हैं। चिक डोगा चिक, खैर ऐसी बातें, खैर ये ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें रिमूव हो जाती है। पेपर बैक्स में ये भी रिमूव हो चुके हैं, अब पेपर बैक्स में कोई नॉवल्टी आपको नहीं मिलती है। तो ये एक थम्बा, एक स्पीड एक्स सीरीज़ थी, उसके कवर कार्ड्स हैं, तो मैंने कहा स्पीड से दिखाया था, कुछ खास इतने मुझे लगे नहीं थे, पर मैंने कहा दिखा देता हूँ, अनबॉक्सिंग में मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, पर ये एक तरीके से कंबाइंड हो जाएगा। तो ये कुछ सीरीज़ थी जिनके वो कवर कार्ड्स मैंने अलग रखे नहीं थे, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओल्ड इज गोल्ड सीरीज़ के 4 कॉमिक्स थे, स्पीड ब्रेकर वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता, कवर कार्ड थोड़ा सा एक अच्छा, मतलब ठीक है, मुझे तो सबसे बेस्ट वो लगते थे जो पहले पेपर स्टिकर वगैरह मिला करते थे, जो है पेपर स्टिकर थे, ट्रेडिंग कार्ड्स थे, वो मेरे को बेस्ट नॉवल्टी लगते थे। बट ठीक है, अब कुछ अगर हम बोले कि भाई वो ठीक नहीं है तो फिर वो कवर कार्ड देंगे, कवर कार्ड को अगर आप ठीक नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं देंगे, तो ऐसा है थोड़ा बहुत। बट ये है कि ये सब एक इतिहास बन गया, मतलब क्योंकि नॉवल्टीज मिल नहीं रही है, तो फिर जो पहले जो मिली हुई है फिर वो नेक्स्ट रिप्रिंट आएगा तो उसमें तो मिलेंगे नहीं, तो एक तरीके से कलेक्शन हो गया ये। तो ये छोटी मोटी बातें कुछ रखनी थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो और बना लेता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।